हम सब मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे हमारी वजह से असुर बन गए तो हेलो, माई सेल्फ भावेश, और आज आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसने इंडियन सीरीज वेब सीरीज का लेवल हाई कर दिया है, जिसने हॉलीवुड सीरीज को सबसे ज्यादा टक्कर मारी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ वुड सीरीज में आई हुई वुड की सबसे अब तक की बेहतरीन सीरीजों में से एक असुर की। मार्च 2020 में आई हुई असुर सीरीज ने अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीजों में से एक है, जिसको स्टार्टिंग में कई लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन आज की डेट में वो सबसे ट्रेंडिंग सीरीजों में से एक है। तो स्टोरी कुछ इस तरह की है। शुभ जोशी नाम का एक लड़का है जो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो उनके लेवल के बच्चों से काफी हद तक होशियार है, इंटेलिजेंट है, जिसका IQ लेवल सबसे हाई है। उसके पापा जो पंडित है वो उसे हमेशा धिक्कारते ही रहते हैं और उसको असुर के नाम से ही हमेशा बुलाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बचपन से ही किसी बच्चे को असुर या फिर बुरा कह के हम बुलाते हैं उसको, तो उसकी माइंड पे क्या इफेक्ट हो जाएगी। चलो मैं आपको बात करता हूँ इस सीरीज में तीन कैरेक्टर जो सबसे मेन है। पहला अरशद वारसीकर, जो धनंजय राजपूत नाम का रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरा है वरुण सोपती का, जिन्होंने निखिल नायर का रोल प्ले किया है और जो धनंजय राजपूत के स्टूडेंट रह चुके हैं, और तीसरा सबसे मेन कैरेक्टर शुभ जोशी का। इस सीरीज में हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों का काफी अच्छे से स्टडी की है और इसकी वजह से स्टोरी और सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। बाकी बातें तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन उस सीरीज में से मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सार्थक करती है। वो चीज है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, बच्चों के दिमाग के लिए भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम बच्चों को भरा कुछ अच्छा कहेंगे तो वो आगे जाके अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन अगर कुछ पहले से ही उसको पहले से ही टॉर्चर करके अगर कुछ बुरा कहा हमने, तो आगे जाके हमारे लिए ही, सोसाइटी के लिए ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीरीज देखने के बाद आपको क्या लगता है, सीरीज कैसी लगी आपको। जहां तक मैं मेरी बात करूँ, सीरीज एक मास्टरपीस है जिसने इंडियन वेब सीरीज का लेवल काफी हद तक हाई कर दिया है, और मैं उसको 5 out of 5 रेटिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई खराबी नहीं, स्क्रीन प्ले से लेकर स्टोरी तक सब कुछ बढ़िया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहेगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।